स्टूडेंट्स, आई एम अभिलाषा मैम। तो हमारा सब्जेक्ट है कब बुलबुल। तो कब बुलबुल में आज हमारा टॉपिक है प्रॉमिस। ओके, इससे पहले हमने क्लासेस में पढ़ा है प्रेयर, कब बुलबुल प्रेयर, फ्लैग सॉन्ग, गुड टर्न, मोटो, ये सारी चीज़ें हम लर्न कर चुके हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? यस, जो आप सोच रहे हैं वही प्रॉमिस, जो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने फ्रेंड्स से करते हैं। कई बार बोलते हैं ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई प्रॉमिस माँ मैंने ऐसा नहीं किया, करते हैं ना। यस, तो ये वही प्रॉमिस है, बट कब बुलबुल में थोड़े से चेंज है। हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, हम किसको प्रॉमिस कर रहे हैं, किसके लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, तो इसको हमें लर्न करना है। क्लियर? I promise to do my best. Clear the line? I promise to do my best. Means हम promise में क्या बोल रहे हैं? Promise क्या कर रहे हैं कि I promise, मैं promise कर रहा हूँ या मैं promise कर रही हूँ to do my best, यानी कि मुझसे जितना हो जाएगा मैं अपना अच्छा दूंगा या अच्छा दूंगी, मतलब कि अच्छा। कहते हैं ना, जैसे टीचर बोलती है, मैम बोलती है, आपके सर बोलते हैं कि देखते हैं इस क्लास में कौन अच्छा काम करेगा। मैम मैम करते ना, मैम मैं सबसे अच्छा करूँगा, मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं लर्न करूँगा पहले। तो वैसे ही आई प्रॉमिस टू डू माय बेस्ट, यानी कि हमें अपना बेस्ट पार्ट देना है, बेस्ट काम करना है। ओके, तो जो प्रॉमिस है, आपने देखा यहाँ पर मैं प्रॉमिस कर दिया कि मैं खुद प्रॉमिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, आई प्रॉमिस टू डू माय बेस्ट। अब जो ये प्रॉमिस होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। अब आप सोचेंगे मैम ने लाइन तो इतनी सारी लिखी है, 1 2 3 4 5 लाइन लिखी है, बट मैम बोल रही पार्ट भी होते हैं। तो ठीक है, मैम ने लिखा है, लेकिन मैम ने तो डैश लगा हुआ है ना, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, यानी कि कितनी लाइन्स है इसमें, 3। यानी कि जो प्रॉमिस है उसमें उसके 3 पार्ट्स हैं। ओके, अब 3 पार्ट्स का मीनिंग क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है टू डू माय ड्यूटी टू गॉड एंड माय कंट्री। तो हमने प्रॉमिस क्या किया हुआ है, टू डू माय ड्यूटी, यानी कि जो भी मेरी ड्यूटी है। तो हमारी बहुत सारी ड्यूटी है, जब हम अपने घर पे होते हैं, होम में होते हैं अपने, तो हमारे लिए बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, जैसे मम्मी के साथ हेल्प करना होती है ना, अगर छोटे भाई बहन है तो उनके साथ खेलना, उन्हें पढ़ाना, अपने से बड़ों की बात मानना, उन्होंने अगर कुछ हमें बोला है तो हमें वो काम करना है। ओवे, क्लियर? स्कूल में है तो अपने टीचर्स की बात मानना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, लर्न करना, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना, टू डू माई ड्यूटी, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। हमारे घर में भी ड्यूटीज़ होती हैं, स्कूल में भी ड्यूटीज़ होती हैं, फ्रेंड्स के लिए भी ड्यूटीज़ होती हैं। फ्रेंड्स के साथ जैसे हम लंच कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ उसका वर्क कंप्लीट नहीं है तो वर्क कंप्लीट करवाना है, घर में है तो मम्मा की हेल्प कैसे करते हैं हम, मम्मा अगर कुछ बोलती काम करने के लिए वो काम करके। ओके, टू गॉड, अब वो तो ड्यूटी है साथ में, लेकिन किसके लिए भी ड्यूटी है हमारी, टू गॉड यानी कि भगवान, गॉड के लिए। देखिए, जब हम स्कूल आते हैं तो हमें क्या करके आना है, जब मॉर्निंग में स्कूल आते हैं तो नहाना है, ब्रश करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद गॉड के पास जाना है, प्रे करना है, गॉड को थैंक यू बोलना है। ओके, तो सारे कबूल जितने हैं उनको गॉड में बिलीव होना चाहिए। मैम भी बिलीव करती है गॉड में, क्योंकि इतना प्यारा वर्ल्ड, इतनी प्यारी धरती, ये गॉड को है। अगर देखा जाए जो हमारे ये ट्री हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सब गॉड के तो दिए हुए हैं, तो ड्यूटी किसके लिए हमारी, गॉड के लिए भी है। ओके, तो गॉड से हमें प्रेयर करनी है डेली, मॉर्निंग प्रेयर एंड नाइट प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर थैंक यू बोलना है गॉड को, और साथ में जो आप दिन भर में काम कर रहे हैं उसके लिए, नाइट में जब हम सोने जाते हैं तब भी गॉड को प्रेयर करनी है और थैंक यू बोलना है कि हमारा फुल डे बहुत अच्छा गया। गॉड के साथ एंड माय कंट्री, साथ में हमें किससे ड्यूटी फॉलो करनी है, माय कंट्री, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, यस इंडिया, भारत में, तो हमारे उसके लिए भी कुछ हमारी ड्यूटीज हैं।
आर्मी में नहीं है, हम एयरफोर्स में नहीं, तो हम कैसे ड्यूटी करेंगे कंट्री की? तो आप भी ड्यूटी कर सकते हैं क्या मैम वहाँ पे बॉर्डर पे? नहीं, लेकिन हमें ड्यूटी कैसे करनी है? हमें हमारा जो घर है उसे क्लीन रखना है। जब क्लीन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कचरा बाहर फेंक देते हैं, वो नहीं करना है, उसको डस्टबिन में रखना है। उसे जब कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है तो उसमें ही थ्रो करना है, कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। जब हम कभी घूमने जाते हैं तब क्या करते हैं, हमने खाया पिया और उसको रैप करके बस फेंक दिया कहीं भी। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारी कंट्री जो है उसको हमें साफ रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। आपस में झगड़ा नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, अपने से बड़ों की बात माननी है, सबसे प्यार से बात करना है, ओके? तो अगर ये सारे काम भी हम करते हैं तो हमारी ड्यूटी किसके लिए हो रही है? कंट्री के लिए। अगर हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं और अपनी इंडिया को क्लीन रखते हैं, हम कहीं पर भी जाएं तो जो लोग बाहर से आएंगे वो जब यहाँ घूमने के लिए कितने खुश होंगे, वाओ इंडिया तो बहुत अच्छी कंट्री है, कितनी साफ सुथरी है, लोग तारीफ करेंगे, तो प्राउड फील होगा ना हमें भी कि यार ये तो हमारी कंट्री है। इसलिए तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमसे जितना अच्छा हो सकेगा हम उतना करेंगे। और ड्यूटी किसके लिए? हमारी गॉड के लिए और हमारी कंट्री के लिए। फिर सेकंड लाइन पे आते हैं, टू कीप द कप बुलबुल लॉ। अब कप भी आ गया, बुलबुल भी आ गया, अब मैम टू टाइम्स नहीं लिखेंगी, तो जो बॉयज वो कैसे याद करेंगे? टू कीप द कप लॉ, ओके? जो गर्ल्स है हमारे बुलबुल वो कैसे लर्न करेंगी? टू कीप द बुलबुल लॉ मीन्स जो हमारे बॉयज हैं वो बुलबुल वर्ड का यूज नहीं करेंगे और जो हमारी गर्ल्स हैं वो कप वर्ड का यूज नहीं करेंगी। क्लियर? मैं हमारी बताएंगी पूरा एक बार फिर से रीड करके। तो टू कीप द कप बुलबुल लॉ, अब कप बुलबुल लॉ तो हम बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं, हम घर में होते मम्मा पापा के रूल्स होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर्स के रूल्स होते हैं, ऐसे जब हम स्कूल आते हैं तो स्कूल के रूल्स होते हैं कि यूनिफॉर्म में आना है प्रॉपर तरीके से, इसके बाद आपको टाइम पे लंच लेना है आपको, इसके बाद जब आपकी डिस्कसल हो गया है तो घर जाना है, यानी कि स्कूल में भी कुछ रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हमारे कपूर के कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, मैम रूल्स आपको आगे सिखाएंगी, ओके? जैसे मैम बता दें जो कपूर लॉ होते हैं वो टू होते हैं, ओके? आपके ज़्यादा नहीं है, टू लॉ हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है। एंड टू डू अ गुड टर्न एवरी डे, टू डू अ गुड टर्न एवरी डे, गुड टर्न मीन्स मैम ने बताया है आपको, गुड टर्न अच्छा काम, भलाई का काम, ओके? गुड टर्न एवरी डे यानी कि आपको डेली गुड टर्न यानी कि अच्छा काम करना है। गुड टर्न को शॉर्ट में बोल सकते हैं हेल्प टू अदर्स, यानी कि अपने आप को छोड़ के दूसरों की मदद करना, उसमें आपके मम्मी पापा भी आ जाएंगे, आपके दादी दादा नानी नाना यानी कि आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी कॉलोनी में जो रहते हैं वो भी, वो सब अदर्स में आएंगे, आपको उनकी भी हेल्प करनी है। बट एक बात याद रखना, आप छोटे हैं, आप बहुत बड़े नहीं हैं, तो काम भी आप जो करेंगे भलाई के वो छोटे छोटे काम होने चाहिए। मम्मा से पूछ सकते हैं, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, मैं आई हेल्प यू, मम्मा बोलेंगी यस बर्तन रख दो, या फिर क्लीन कर सकते हैं टेबल, ऐसे छोटे छोटे काम आप लोग करेंगे, ओके? मैम पूछेंगे आपके मम्मा पापा से कि आपने काम किया कि नहीं। टू डू अ गुड टर्न एवरी डे, अगर हम आज से ये काम शुरू करेंगे तो पहले हमें कहाँ काम करना है? अपने घर में। अगर हम अपने घर में ही काम नहीं करेंगे तो हम बाहर दूसरों की मदद कैसे करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे? तो हमें अपनी भी हेल्प करनी है। अपनी हेल्प कैसे करेंगे? हेल्दी रह के, स्ट्रांग रह के। दूसरों की हेल्प कैसे करना है? उनसे पूछ के कि मैं आपकी कोई मदद कर दूँ, मैं आई हेल्प यू, ठीक है? अब मैं पूरा एक बार बॉयज के लिए बता रही हूँ कैसे रीड करना है, देन उसके बाद बुलबुल के लिए। तो जब बॉयज बोलेंगे प्रेयर को कैसे करना है, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री टू कीप द कप लॉ एंड टू डू अ गुड टर्न एवरी डे कप, ओके? अब बुलबुल, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री टू कीप द बुलबुल लॉ एंड टू डू अ गुड टर्न एवरी डे। क्लियर हुआ? इस प्रॉमिस को आपको लर्न करना है, ओके? इसके बाद प्रॉमिस कैसे बोलते हैं,
आपने प्रॉमिस का मीनिंग समझ लिया, क्लियर, आप याद कर लेंगे, मैम को मालूम है, बट आपको जब प्रॉमिस बोलना है तो बोलना कैसे है, अटेंशन में खड़े रहेंगे, जब भी प्रॉमिस को लर्न करना है बोलना है, रिपीट करेंगे तो भी। इसके बाद आपको साइन बनाना है, जो हमारे कब हैं और बुलबुल, उनको क्या करना है, आपकी आप फिंगर देख रहे हैं, टू फिंगर, ओके, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से प्रेस करना है, ये देखिए, ओके, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से प्रेस करना है, और ये टू फिंगर्स हैं जो आपकी, उसको पास में रखना है राइट हैंड से, ओके, और इसे, ये किसके लिए, बुलबुल के लिए, बुलबुल आप इस प्रकार साइन बनाएंगी, फिर प्रॉमिस बोलेंगी, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट, आई टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री, टू कीप द बुलबुल लॉ एंड टू डू अ गुड टर्न एवरी डे, क्लियर। अब बॉयज कब, कब को करना ये है, सेम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को प्रेस करना है, और आप देख रहे हैं टू फिंगर्स के बीच में गैप है, ओके, और आपको सैल्यूट लाइक दिस, ओके, राइट हैंड से, और फिर प्रॉमिस को रीड करना है, कैसे, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट, आई टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री, टू कीप द कब लॉ एंड टू डू अ गुड टर्न एवरी डे, ये अटेंशन में होगा, क्लियर हुआ बुलबुल, आपको इस प्रकार से साइन बनाना है, और जो हमारे बॉयज हैं कब हैं उन्हें, ये, ओके, आईब्रो के पास में ले जाके आपको फर्स्ट फिंगर रखना है, क्लियर, ये दोनों का तरीका है, थोड़ा सा चेंज है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा, और उसके बाद जैसे प्रॉमिस फिनिश होगा हैंड डाउन, ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।